हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना किचन रेसिपी में। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हरियाली अंडा टिक्का मसाला। इसको बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं 8 बॉईल किए हुए अंडे, जिनको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। देखिए, अब हम इनको चाकू की हेल्प से इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपके पास एग कटर है तो उसकी हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं। हमने अंडों को गोल शेप में कट किया है, अगर आप चाहें तो इनको लंबाई में भी कट कर लें। हम इन 8 अंडों से 5-6 सदस्यों के लिए हरियाली अंडा टिक्का मसाला बना करके तैयार करेंगे। इसका नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही इजी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, इन्हें कट करने के बाद ये ले लिया है हमने एक ग्राइंडिंग जार। इसमें ये डाली हैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, जिन्हें हमने पहले ही छील के रख लिया था। और ये डाला है 1 से 1.5 इंची का अदरक का टुकड़ा। और इन्हें डालने के बाद यहाँ ले ली हमने 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने ग्राइंडिंग जार में डालना है। इसके बाद ये ले लिए हमने 9-10 काजू, अगर आप चाहें तो बादाम भी यूज कर सकते हैं, इन्हें भी हमने इसमें डाल लेना है। और अब हमने ये ले ली है हरी फ्रेश धनिया पत्ती, इनको भी हम इसमें डाल लेंगे। इसे डालने के बाद ऊपर से हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने यहाँ 200 ग्राम ली है। दही डालने से हमारे जो अंडा टिक्का मसाला है उसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए, इसे डालने के बाद अब हम इसको ढक्कन से कवर करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा जो फाइन पेस्ट है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसको रख देते हैं साइड में। और इसके बाद ये ले ली हमने एक कढ़ाई, जिसमें ये डाल दिया हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। पहले हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसमें ये डाल दिया हमने थोड़ा सा जीरा। और अब हमने जीरा डालने के बाद यहाँ कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें ये ले ली है लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। इन्हें डालने के बाद यहाँ हमने ये डाली है एक बड़ी इलायची। और अब हम इसके बाद डालेंगे 2 बड़े साइज के बारीक कट किए हुए प्याज। हमने पहले ही प्याज को बारीक करके अच्छे से कट कर लिया था। अब हम प्याज को डाल करके लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमने इसे फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना होगा, मीडियम फ्लेम पर जो हमारी प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्याज है वो काफ़ी अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। अब हमने इसमें डाला है पेस्ट, जो कि अभी हमने बना करके तैयार किया था। तो देखिए, यहाँ हमने ग्राइंडिंग जार को धो करके इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, जिससे कि जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से भून करके तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको बीच बीच में इसी तरह चलाते रहेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि वापस से ग्रेवी से तेल रिलीज ना होने लगे। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, और ये जो हमारी ग्रेवी है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भुन करके तैयार हो जाती है। तो फाइनली अब आप देख सकते हैं कि इससे तेल भी अच्छे से रिलीज होना शुरू हो चुका है। और तेल रिलीज होने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। और जिसके लिए सबसे पहले यहाँ हमने 1/2 चम्मच ले ली है पीली मिर्च, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच एग मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने थोड़ा सा कम रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी मसाले हमारे ग्रेवी के अंदर चले गए हैं। लास्ट में हमने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। और इनको अब हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो हमारी हल्दी की जो स्मेल है वो निकल ना जाए, और जो हमारी ग्रेवी है उससे वापस से फिर से तेल रिलीज ना हो जाए। इसलिए हमने गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है। और हम ग्रेवी को जितना ज़्यादा पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है उससे तेल रिलीज होना शुरू हो चुका है। लेकिन हमने इसको बीच बीच में लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है, जिससे कि जो ग्रेवी है वो नीचे लगे ना कढ़ाई में। तो चलिए, यहाँ देखते हैं कि इससे हमारा तेल पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। अब हमने इसमें डाला है ये थोड़ा सा पानी। अगर आपको ग्रेवी को थोड़ा सा और ज़्यादा पतला रखना है तो थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा कर लें। और अब हमने इसे सिर्फ एक उबाल आने तक ही पकाना है, जो कि 1 से 2 मिनट में हमारा उबाल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग बनने वाली है। तो देखिए, यहाँ जो हमारी ग्रेवी है उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। और उबाल आने के बाद हमने इसमें डाले हैं अंडे, जिन्हें हमने पहले ही गोल शेप में कट कर लिया था। और अब हम इसमें अंडों को डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए और पकाएंगे, जिससे कि जो हमारी ग्रेवी है वो अंडों में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमने गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना होगा, क्योंकि लो फ्लेम पर जो हमारा अंडा टिक्का मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और हमने जो इसमें मसाले ऐड किए हैं ना, अभी उनसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। हमने ना इसमें अंडे डालने के बाद सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट तक ही कुक करना था। यहाँ देखिए कि फाइनली हमारा जो अंडा टिक्का मसाला है वो बन करके हो चुकी है रेडी। तो चलिए, अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग में हमने इसमें ऊपर से डाली है बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती हमने एकदम फ्रेश ली हुई है। इसमें धनिया पत्ती डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको एक बार आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। तो सर्व करने के लिए यहाँ हमने एक प्लेट ले ली, उसमें डालेंगे हम अंडा टिक्का मसाला।
और ये जो अंडा टिक्का मसाला होता है नॉर्मल अंडे से कई गुना ज्यादा टेस्टी होता है। ये मेरी फैमिली में सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया हो तो एक बार आप भी घर पर जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप चाहें तो इसे रोटी, पराठा, चावल जिसके साथ भी चाहें उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको भी इतनी इजी अंडा टिक्का मसाला रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट से चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें।